आवाज का की तरह सम्मान देना मेरे तमाम जो संगठन है वो सीखें, क्योंकि मीडिया को सम्मान देंगे तो मीडिया आपकी अच्छी रिपोर्टिंग करेगा, मीडिया आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगा। आप आर्थिक सहयोग ना करें लेकिन सिर्फ एक फूल भी आप देंगे आगे बढ़ा के मीडिया कर्मी को तो उसका बहुत हौसला बढ़ता है। असमता आवाज़ टीवी के एग्जीक्यूटिव एंकर एवं प्रोप्राइटर हमारे बीच मौजूद हैं मनोज अंतानी सर। जैसा कि देखा जाए कि जहां भी बहुजन समाज के सेमिनार हो, संगोष्ठी हो, मीटिंग हो, तो ये बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं और अपने चैनल के माध्यम से समाज के समाज में रह रहे देश के कोने कोने में समाज के लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं इस वीडियो के माध्यम से, कि हमारे समाज के लोग देखिए कहाँ और कास जगह पर और कैसे सेमिनार कर रहे हैं। मैं आज जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इनको सुबह से देखा है 8 बजे से या करके जिस तरह से इन्होंने अपने कीमती समय निकाल करके बिल्कुल एकाग्रता के साथ, जिसको कहा जाए आज के रेट में कि एक मिशनरी होना और मिशनरी के साथ साथ ये है कि पत्रकार के साथ पत्रकारिता और पत्रकार के साथ साथ एक अच्छे मिशनरी हैं। मैं आज इनके फीलिंग जानना चाहता हूं कि आज इस सेमिनार में आकर के हम तमाम लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं। सर कुछ बताइए आज के शिविर के बारे में कि आपने इतनी कीमती समय निकाल करके आप कंटिन्यू 10 घंटा खड़ा रहे और खड़ा रहते हुए ये वीडियो बनाए, तमाम लोगों को जागरूक किए, तमाम लोगों को फीलिंग्स को, तमाम लोगों के बातों को ऑब्जर्व किया अपने वीडियो में, ताकि अपने चैनल के माध्यम से प्रसारण करके लोगों को ये बताने का काम किए करेंगे कि सारनाथ में आज होने वाले राष्ट्रीय चिंतन शिविर में किस तरह से लोगों ने अपना विचार मंथन रखा आज के विषय के, अब आज के इस प्रोग्राम के बारे में सर विशेष रूप से क्या कहना चाहेंगे। देखिए पहले तो आपका धन्यवाद, समता आवाज़ टीवी परिवार में नए एंकर महोदय का मैं स्वागत करना चाहूँगा। धन्यवाद सर। और जैसा कि सर ने जानना चाहा कि आज के चिंतन शिविर से हमें कैसा लगा है, आवाज़ का मैं संतोष अम्बेश के माध्यम से जुड़ा जी। भाई भानु प्रताप जी चौधरी साहब और तमाम साथी हमारे आवाज़ का की बड़ी टीम खड़ी है जी। और पहली बार जब मैं पहुंचा तो आवाज़ का क्या जो सेमिनार था वो बनारस के घाट पर था जी। उस प्रोग्राम में मैं पहली बार आया, उस प्रोग्राम में आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि यही वो संगठन है जिसकी मुझे तलाश थी। हालांकि मीडिया कर्मी हो तो किसी संगठन के साथ व्यक्तिगत रूप से मैं नहीं जुड़ सकता हूँ, किसी भी राजनीतिक दल के साथ मैं नहीं जुड़ सकता हूँ, तमाम बहुजनों के राजनीतिक संगठन का मैं रिपोर्टिंग करता हूँ, तमाम जो बहुजनों के सामाजिक संगठन है उनका भी मैं रिपोर्टिंग करता हूँ, और ये मेरी जिम्मेदारी में आता है कि जो संगठन अच्छा कार्य कर रहा है उसकी अच्छी रिपोर्टिंग करूँ और जन जन तक पहुँचाऊँ। जैसा कि आपने आज के परिप्रेक्ष्य में पूछा कि आज का जो चिंतन शिविर था वो उसका क्या निष्कर्ष, तो तमाम अभी जो हमारे राष्ट्रीय प्रधान महासचिव बुद्धमित मुसाफिर सर ने पूरा निष्कर्ष बता दिया है, वो वीडियो आप देखेंगे। लेकिन मेरी तरफ से पूरी इस आवाज़ का की टीम का मैं धन्यवाद यहाँ अदा करना चाहूँगा, गुजरात से आई टीम का, बिहार से आई टीम का, बनारस की टीम का, जिसने इस ऐतिहासिक परिदृश्य को बनाने में दिन रात अपनी एक कर दिया पूरी टीम ने, एटा की टीम का मैं यहाँ धन्यवाद करना चाहूँगा। मतलब जिस प्रदेश से टीम आई है, मैं स्वयं गाज़ियाबाद से आया हूँ, दिल्ली से संतोष अम्बेश आए हैं, लगभग 6-7 स्टेट से लोग आज यहाँ पहुँचे, तमाम साथियों का धन्यवाद। और मुझे लगता है कि ऐसी संगोष्ठियाँ हर संगठन की जिम्मेदारी में आती है कि वो 15 दिन में 20 दिन में करता रहे। जैसा कि अभी मंच से हमारे एक वक्ता ने कहा था कि खीर का एक उदाहरण दिया था कि खीर अगर इकट्ठी करके रख लेंगे तो कैसे उसका स्वाद ले पाएंगे, लेकिन खीर को अगर थोड़ा थोड़ा रोज़ खाते रहेंगे तो स्वाद उसका आता रहेगा, परीक्षा के समय में आप फेल नहीं होंगे। तो तमाम जो मेरे आज के इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, इंटरव्यू लेना एक अलग बात होती है, देना एक अलग बात होती है, शब्द नहीं मिल रहे, लेकिन फिर भी आज के इस साक्षात्कार के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा, जहाँ जहाँ तक करोड़ों लोग आवाज़ भारत और समता आवाज़ टीवी पर और हमारे भाई जो हमारी वीडियो शूट कर रहे हैं पर्सनल लेवल पर, इनकी वीडियोज इनके माध्यम से हमारी वीडियो आप तक पहुँचे, तो आप भी ऐसे कार्यक्रमों का हिस्सा बने, इकाई के रूप में जब भी आपको पता चले कि इस तरह के सामाजिक कार्यक्रम कहीं पर हो रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए इकाई के रूप में ये ना सोचे कि वो राजनीतिक दल मेरा नहीं है, वो सामाजिक दल मेरा नहीं है, आप स्वयं अपनी जिम्मेदारी लें, इकाई के रूप में कुर्सी के बिल्कुल पीछे खड़े हो जाएं। जब एक व्यक्ति ऐसे खड़ा होगा अगली बार वो 2 को लाएगा, इस तरह करते करते कारवां बढ़ता रहेगा। एक काशीराम साहब के ऊपर एक बात कही जाती है कि मैं अकेला ही चलाता जानिबे मंजिल की तरफ और कारवां बढ़ता रहा, तो इस तरह से आप अगर एक के साथ 2, जैसे कि मैंने सुबह मैडम का इंटरव्यू लिया था तो उन्होंने कहा था कि अगली बार हम आएंगे तो 2-3 को लाएंगे। मैडम कहाँ से? औरंगाबाद बिहार से मैडम आई थी, तो उनका सुबह इंटरव्यू आ चुका है चैनल पर
उन्होंने कहा कि अगली बार हम दो को लाएंगे और दो जब अगली बार आएंगे तो वो आठ को लाएंगे, तो इस तरह हमारा कारोबार बढ़ता रहेगा। बहुत जल्द ये देश बुद्ध में होने वाला है, निराशा की कतई ज़रूरत नहीं है। हमारे साथ हमारे नए काशीराम मान्यवर बुद्धमित मुसाफिर साहब हमारे बीच में आ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक सवाल और पर करना चाहेंगे कि जैसा कि आप देखे हैं अभी के वर्तमान परिवेश में कि मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहा है किसी भी पार्टी को किसी भी सरकार को व्यापक स्तर पर इंटरनेशनल लेवल पर खड़ा करने का, आप मैं चाहता हूं कि आपकी वो अपेक्षा ये आवाजका की आवाजकार का टीम आवाजका ये अपेक्षा आपसे रखती है कि आप आवाजका को भी अपने चैनल के माध्यम से इसको भी राष्ट्रीय लेवल पर इंटरनेशनल लेवल पर प्रसार करने का दायित्व निभाएंगे। देखिए आपने मीडिया की बात की है, अगर हमारी देश की मीडिया सही तरीके से काम कर रही होती तो हमारे जैसे युवाओं को वैकल्पिक मीडिया की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। अब आजकल जैसे संगठन जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहा है उसको हमारे जैसे यूट्यूबर्स की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं तो हमने सोचा कि हम खुद ही अपनी आवाज़ को आगे बढ़ा लें, बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है मैं यहाँ पर एक बात अपने सामाजिक और राजनीतिक संगठनों से कहना चाहूँगा, आज आवाज़का के मंच से आपको मीडिया की ताकत को पहचानना होगा। बाबा साहब ने मीडिया की ताकत को पहचाना था, माननीय काशीराम साहब ने मीडिया की ताकत को पहचाना था। हाँ, हमारी राष्ट्रीय पार्टी मीडिया से थोड़ा दूर हुई है क्योंकि ये वो मीडिया है जो अच्छे काम में से भी मीन मैक्स निकालती है और हमारे अच्छे कामों को भी बुरा कर दिखाती है, लेकिन नहीं, अब हमारे जैसी वैकल्पिक मीडिया बाज़ार में आ चुकी है, आप बहुजन लड़कों के ऊपर विश्वास कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक बात और कहूँगा, तमाम राजनीतिक और सामाजिक संगठनों से अगर मीडिया को ऑपरेट करना सीखना है तो मोदी जी से सीखिए, मोदी जी को गाली तो दीजिए लेकिन उनसे सीखिए भी किस तरह से उन्होंने मीडिया को ऑपरेट किया है। आज की तारीख में हमारे हज़ारों बहुजन यूट्यूबर्स काम कर रहे हैं जिनमें 400-500 लड़कियां हैं और 600-700 लड़के काम कर रहे हैं, आप भी उनको ऑपरेट कीजिए। आप उनसे अपेक्षा तो करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं आर्थिक और संसाधनों के अभाव में वो अच्छा काम नहीं कर पा रहे हैं, तो तमाम सामाजिक और राजनीतिक संगठनों से मेरी अपील है कि वो आगे आएँ और ऐसे लड़के को चिन्हित करें, ऐसे बहुजन यूट्यूबर्स को चिन्हित करें जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनको आर्थिक संसाधनों से लेस करें, उनको पावर देने का काम करें, उनको आगे बढ़ाने में अपनी सहायता दें। और आप देखिएगा ये मीडिया आपको, जैसे कि सर ने कहा कि मीडिया आवाजका को आगे पहुंचाएगा, मीडिया आवाजका को ही नहीं बाबा साहब के हर उस संगठन को, बाबा साहब के हर उस राजनीतिक पार्टी को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर आगे बढ़ाने में मीडिया पीछे नहीं हटेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे बीच हमारे साथ अभी जुड़े हुए थे क्षमता टीवी के वरिष्ठ और बहुत ही दमदार एंकर मनोज अंतानी सर, इन्होंने अपना बहुत कीमती समय निकाल करके हम लोगों के बीच रहा। मैं चाहता हूं कि आवाजका टीम गया बिहार की ओर से इनको बुके दे करके और माला पहना करके स्वागत किया जाए कि इन्होंने इतना अच्छा कीमती समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं अपनी हर आवाजका की वीडियो में ये कहता हूँ कि आवाजका की तरह सम्मान देना मेरे तमाम जो संगठन है वो सीखें, क्योंकि मीडिया को सम्मान देंगे तो मीडिया आपकी अच्छी रिपोर्टिंग करेगा, मीडिया आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगा। आप आर्थिक सहयोग ना करें लेकिन सिर्फ एक फूल भी आप देंगे आगे बढ़ा के मीडिया कर्मी को तो उसका बहुत हौसला बढ़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज टीवी को, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।